हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि अगर आप अपनी नई प्रोफाइल फ़ोटो को अपलोड कर देते हो, अपडेट कर देते हो, तो पुरानी फ़ोटोज़ को कैसे डिलीट करें। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में बनाया था कि आप अपनी प्रोफाइल डिटेल्स को कैसे अपडेट कर सकते हो एंड साथ ही साथ में अपनी फ़ोटोज़ को कैसे अपडेट कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि हम लोगों ने ये वाला मॉड्यूल बनाया था। हम लोगों ने क्या बनाया था कि हम लोग यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर रहे थे और एडिट पे क्लिक करने के बाद हम लोग नई फ़ोटो को चूज़ कर पा रहे थे। बट जब हम नई फ़ोटो को चूज़ कर रहे थे तो नई फ़ोटो अपडेट तो हो जा रही थी, बट जो हम लोग की पुरानी फ़ोटो थी वो नहीं डिलीट हो रही थी। तो हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में, यही बात करेंगे कि अगर हम लोग की नई फ़ोटो अपडेट हो जाए, दैट मीन्स पुरानी फ़ोटो हमें अपने डिस्क में नहीं स्टोर करके रखनी है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग वो मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे अपना। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे अपने प्रोजेक्ट में और ओपन करेंगे एडिट सर्वलेट। एडिट सर्वलेट को हम लोग ओपन कर लेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको फुल स्क्रीन पे कर लेंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने पिछली वीडियो में ट्राई किया था बट एक्चुअली डिलीट नहीं हो पाई थी, कुछ पाथ का गड़बड़ हो रहा था, हमारी पुरानी फाइल का पाथ गड़बड़ हो रहा था। तो हम लोगों ने यहाँ पर ट्राई किया था, ये जो सेव फाइल है ये हमारी फ़ोटो को अपडेट कर रहा था, सेव कर रहा था। और डिलीट वाला कोड ये है, हेल्पर डॉट डिलीट फाइल, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये जो हमारा था वो डिलीट का कोड था, डिलीट कोड, ठीक है, ये डिलीट का कोड था। तो हमें क्या करना है, हमें इसी पाथ को सही करना है। ये पाथ सही नहीं हो रहा है, इसीलिए ये फाइल जो हमारी पुरानी वाली है वो डिलीट नहीं हो रही। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है, अपनी पुरानी फाइल का पाथ देना है। और हम लोग गलती से क्या दे रहे थे, हम लोग अपनी नई वाली फाइल का पाथ दे रहे थे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ओपन आएंगे और यहाँ पे हम लोग जहाँ पे अपना पाथ बदल रहे हैं, देखिए हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने यहाँ पे यूज़र डॉट सेट प्रोफाइल और यूज़र के अंदर अपनी नई वाली प्रोफाइल सेट कर दी। उससे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूँगा स्ट्रिंग और लिख दूंगा ओल्ड फाइल, ओल्ड फाइल। और यहाँ पे यूज़र से यूज़र डॉट गेट प्रोफाइल निकाल लूँगा। तो इससे होगा क्या कि हम लोगों ने यहाँ पे देखिए यूज़र की प्रोफाइल अपडेट कर दी है, तो हम लोगों ने उसकी पुरानी जो फाइल थी वो हम लोगों ने ओल्ड फाइल में रख लिया है। अब ओल्ड फाइल वाले वेरिएबल में इसकी पुरानी वाली फाइल रखी है। अब हम लोग इस वाली फाइल को डिलीट करेंगे, ना कि अगर हम यहाँ पे यूज़र डॉट इसी वाली पाथ को यूज़ कर लेते तो नई वाली फाइल बार बार ट्राई कर रहा था वो डिलीट करने के लिए, उसको फाइल मिल नहीं रही थी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली हम लोग सिंपली ये वाला पाथ कॉपी करेंगे और इसी के ऊपर हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे और इसको हम लोग बोल देंगे पाथ 1 या ओल्ड फाइल पाथ, पाथ ओल्ड फाइल। और हम लोग यहाँ पे आएंगे सिंपली और इसकी जगह हम लोग बोल देंगे यहाँ पे उस वाली ओल्ड फाइल वाले नाम का वेरिएबल दे देंगे, ये वाला नाम जिसका क्या था, ओल्ड फाइल, ठीक है। तो हम लोग आएंगे यहाँ पे और हम लोग लगा के लिख देंगे ओल्ड फाइल। अब जो ये वाला पाथ है ये हमारी पुरानी फाइल का पाथ है, कौन सा, ओल्ड फाइल, ओ पाथ ओल्ड फाइल, ये वाला पाथ। तो हम लोग इस पाथ की जगह नई वाली फाइल का पाथ की जगह हम लोग अपने ओल्ड वाली फाइल का पाथ दे देंगे सिंपली। अब हमारा क्या होगा, सिंपली अब हम लोग की पुरानी वाली प्रोफाइल फोटो जो होगी वो अब डिलीट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ डिलीट फाइल, और पुरानी वाली फाइल का पाथ चला जाएगा और जो नई वाली फाइल होगी वो क्रिएट हो जाएगी इस वाले पाथ पे, ठीक है। तो हम लोग एक बार ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि हमारी अभी प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल का नाम है साइनअप डॉट png। और अगर मैं फोल्डर ओपन करता हूं तो यहां पे मैं दिखाऊं आपको, तो यहां पे देखो ये वाली फ़ोटो है। तो जब मैं नई फ़ोटो अपलोड करूंगा तो ये फ़ोटो यहां से डिलीट हो जानी चाहिए, देखते हैं। और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। मैं फिर से लॉगिन करता हूँ, उसके बाद फिर से अपडेट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब मैं अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और एडिट करूँगा सिंपली, और फोटो में youtube.png फाइल को मैं सेलेक्ट करूँगा, youtube.png फाइल। कहाँ गए भाई मेरी youtube.png फाइल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फाइल का नाम लिख दिया, फिर मैं ओपन कर लूँगा, तो youtube.png ओपन हो, मैं सेव करूँगा। तो सिंपली प्रोफाइल डिटेल अपडेटेड, और अगर आप यहाँ देखोगे तो देखो youtube.png फाइल आ गई। अब लोग चलते हैं अपने पुराने वाले फोल्डर में और देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए साइनअप गायब हो गए। अब अगर मैं इस बंदे की कोई दूसरी प्रोफाइल फ़ोटो लगाऊंगा तो ये प्रोफाइल डेटाबेस से तो हट ही रही है, साथ ही साथ में हमें यहाँ पे क्या हो रही है, साथ ही साथ में हमारे डिस्क से भी रिमूव हो जा रही है। तो अभी परफेक्ट हमारा काम हो रहा है, दैट मीन्स अगर कोई बंदा अपनी नई प्रोफाइल अपलोड करेगा तो पुरानी फ़ोटोज़ उस डेटाबेस से भी हट जाएंगी, उसका नाम, और डिस्क से भी उसका नाम, उस डिस्क से भी उस फाइल हट जाएगी, डिलीट हो जाएगी।
बट अगर बाय डिफ़ॉल्ट, अगर मान लीजिए इनिशियल कोई यूज़र था और इनिशियल में हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट फ़ोटो लगा के रखी थी सबके में ये वाली फ़ोटो, तो अगर इसके बाद कोई अपडेट करेगा तो डिफ़ॉल्ट डॉट पीएनजी भी गायब हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, पीएनजी को बचाने के लिए, डिफ़ॉल्ट डॉट पीएनजी को बचाने के लिए मैं क्या करूँगा, जहाँ पर हम लोग डिलीट कर रहे हैं वहाँ पर कंडीशन लगा देंगे कि तभी डिलीट करो अगर डिफ़ॉल्ट नहीं है उस केस में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, एक इफ़ लगा दूँगा, इफ़ ओल्ड फाइल डॉट इक्वल्स, अगर ओल्ड फाइल डॉट इक्वल्स, और मैं यहाँ कंडीशन चेक करूँगा कि अगर ओल्ड फाइल डॉट इक्वल्स डिफॉल्ट डॉट पी एन जी नहीं है उस केस में डिलीट करना है, बाकी कोई और फाइल हो तो हमें डिलीट करना है, बट अगर डिफॉल्ट डॉट पी एन जी है तो नहीं डिलीट करना। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा डिफॉल्ट डॉट पी एन जी और स्पेलिंग में सही कर दूंगा, और क्योंकि ये कंडीशन ट्रू होगी तो डिफ़ॉल्ट को डिलीट कर देगा, तो मैं इस कंडीशन को रिवर्स कर दूंगा। तो ये कंडीशन तब ट्रू होगी जब उसको डिफॉल्ट डॉट पी एन जी मिलेगा, और नॉट मतलब जब उसको नहीं मिलेगा तब ये कंडीशन ट्रू होगी और तभी ये हेल्पर चलेगा, ठीक है, ये चलेगा। दैट मीन्स अब वही फ़ोटोज़ डिलीट होंगी अगर डिफ़ॉल्ट डॉट पी एन जी के अलावा है। तो अब आपका काम हो गया, मान लीजिए आप इनिशियली क्या करते हो, मान लीजिए आप इनिशियली साइनअप करते हो और इनिशियली साइनअप करने के बाद अगर अपनी फ़ोटो डिलीट कर देते हो तो पुरानी फ़ोटो तो आपकी डिफ़ॉल्ट डॉट पी एन जी है, उस केस में डिफ़ॉल्ट डॉट पी एन जी नहीं डिलीट होगी क्योंकि आपने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया, दैट मीन्स अगर ओल्ड फाइल डिफ़ॉल्ट के अलावा कोई है तभी डिलीट करना है, अदरवाइज डिलीट नहीं करना। तो अब परफेक्ट है नए यूज़र के लिए भी और पुराने यूज़र के लिए। तो हमने यहाँ पे प्रोफाइल वाला मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया, अब परफेक्ट है प्रोफाइल वाला मॉड्यूल। अब अगर कोई प्रोफाइल डिटेल्ड अपडेट करता है तो डिटेल अपडेट हो जाएगी, फोटो कोई अपडेट करेगा तो फोटो भी अपडेट हो जाएगी, और पुरानी जो फोटो होगी वो डिलीट हो जाएगी, नई फोटो आपके फोल्डर में आ जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्लॉग्स को कैसे ऐड करते हैं, ब्लॉग्स के ऊपर कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर चैनल को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।